हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इस वक्त बारिश हो रही है और मैं जा रहा हूँ टोक्यो टीम लैब्स। तो टोक्यो टीम लैब्स एक डिजिटल जगह है, काफ़ी इंटरैक्टिव है। टिकट मैंने ले ली है ऑनलाइन, तो टिकट मुझे पड़ी है 3200 येन की। अब जाके देखते हैं। टिकट बुक करते वक्त टाइम स्लॉट था, तो 3 बजे का मैंने बुक किया था, अभी 2:45 हो गया। पता नहीं मैं टाइम पर पहुँच पाऊँगा कि नहीं। अच्छा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने नोटिस किया कि शेक बहुत हो रहा है, मतलब मेरा जो गोप्रो है ना उसका ना, मेरे पास एक छोटा ट्राइपॉड है जो मैं यूज़ कर रहा था, उसका बॉल ख़राब हो गया। तो अभी मैं एक और ट्राइपॉड है मेरे पास, लेकिन ये और भी छोटा है, पर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो मेरा स्टेबलाइज्ड हो। ठीक है, अब चलते हैं और मिलते डायरेक्ट लोकेशन पर। तो ये जो है ना, ये एंट्रेंस है टोक्यो टीम लैब्स की, टीम लैब टोक्यो की। और 3 बजे का टाइम है और भाई बड़ी लंबी लाइन है। अब ये नहीं पता, अच्छा ये एडमिशन लाइन है, तो 3 से 3:30 वालों की। टिकट दिखाता हूँ मैं इनको। अब बहुत भीड़ है यार, भीड़ में लोग खड़े हैं छाता लेके, बहुत सारे लोग हैं। तो यार ऐसा है कि ये जो जगह है ना, मतलब ये जो लाइन है जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ, ये टिकट दिखाने की है। और जो मेरे सामने से राइट में लोग आ रहे हैं, ये टिकट दिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी ये है कि यार बहुत लंबी लाइन है, मतलब बारिश ने तो मज़ा कर दिया। मुझे लगा आज वीकडे है और इतने लोग आएंगे नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं यार। ये तो पूरा भरा हुआ लग रहा है, 1 घंटा लगेगा कम से कम अंदर जाने में, जिस हिसाब से स्पीड है ना लोगों की। डिस्टेंस भी रखना पड़ रहा है क्योंकि दूसरों के छाते का पानी आ रहा है, अपने कपड़ों पर गिर रहा है, और मेरे छाते का भी जा ही रहा होगा। तो यहाँ पे यार वेस्टर्न पीपल बहुत है, मतलब फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा है, लोकल्स कम थोड़े लग रहे हैं, लेकिन फॉरेनर्स तो बहुत ज़्यादा है। पर सही है, चलो अब आगे जाते हैं, टिकट दिखाने का टाइम आने वाला है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ी है, अभी क्या ना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अपने जूते और वो उतारने और लॉकर में डालने हैं, और जींस अपनी ऊपर करनी है। चलो लकीली इंग्लिश में है ट्रांसलेशन ना, तो कह रहे कि भाई अपनी जींस घुटने तक कर लो, और सब वेरियस फिर वेरियस स्कर्ट लिखा हुआ है कि अगर आपने स्कर्ट पहनी है तो आपकी अंदर दिख सकती है, इसीलिए आप शॉर्ट्स वगैरह खरीद लें, क्योंकि हर जगह शीशे लगे हुए हैं। चलो सही है ना, अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है कि अपने जूते और छाता वगैरह जो भी है वो सब आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, क्यूआर कोड इन लॉकर डोर। क्यूआर कोड यूज़ करना पड़ेगा लॉकर के लिए भी। वाह, पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई टीम लैब कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा अगर आपका कैमरा या वो कुछ ख़राब हो गया तो। फ्लैश अलाउड नहीं है, और ट्राइपॉड अलाउड नहीं है, और सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है, खाना अलाउड नहीं, सिगरेट अलाउड नहीं है, और टॉयलेट जो है वो सिर्फ लॉकर एरिया में, जो बच्चों के साथ आ रहे हैं वो अपना बच्चों के हाथ पकड़ रहे हैं। जूते उतारने का टाइम आ गया। अब यार अवेलेबल लॉकर देखना, लॉकर कैसे खुलेगा ये नहीं पता, ये खुलेगा नहीं खुलेगा। अच्छा बहुत सारे लॉकर हैं यार, वाह। जूते यहाँ पे रख दिए हैं, छाता भी ये रख दिया है, और तो कुछ करना नहीं है, बाकी चाबी निकाल लेते हैं।
चाबी अपने पास हाथ में बांध लेता। पहला जो है वो है वाटर एरिया है और बहुत अंधेरा है, इसलिए मैंने अपना ISO बढ़ा दिया है। पता नहीं क्वालिटी कैसी आ रही होगी। तो इस वक्त मैं 6400 ISO पे चला रहा हूँ GoPro। जीन्स ऊपर करनी है घुटने तक। चलो पानी उतना ठंडा नहीं है जितना उम्मीद थी। और ये रेलिंग दी है कि लोग गिर ना जाए। ये देखो ये पत्थर है, अरे कारपेट है, कारपेट फूल गया है। टॉवल दिए गए अगर अपने पाँव पोंछना हो तो। पैर पोंछने के बाद टॉवल उधर रखना है। सही है यार, ये तो पहले पैर गीले करा रहे हैं, है ना, पहले पैर गीले करा रहे हैं। अच्छे से पोंछ ले। चलो पैर पूछ गए, अब टॉवल इसके अंदर डालना है। चलो GoPro में आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, नीचे वो गुलगुले गुलगुले से बिछा रखे हैं, लोग अब यहाँ से कूद के जा रहे हैं। अच्छा हाँ, अब यार यहाँ से तो जा ही नहीं पा रहे, लोग गिर रहे हैं, मैं खुद भी गिर गिर के जा रहा हूँ। काफी लोग गिर गिर के, अबे यहाँ भी ना बक्से बक्से लगा रखे हैं, अंधेरा बहुत है। अभी क्या भूल भुलैया जैसा बनाया हुआ इन्होंने। बस सीधा चलते जाना चलते जाना। डू नॉट टच द LED आर्टवर्क। जबरदस्त। सामने लोग हैं या परछाई दिख रही है पता नहीं। गलत आ गया लग रहा है। ओ भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं। इधर हम लोगों को देख सकते हैं ना, ये खुला एरिया है और ये मैं भी आ रहा हूँ वीडियो में। शीशे पे शीशे लगे हुए हैं। फोटोग्राफर्स के लिए ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओए ओए, कलर्स की लाइट्स हैं। अभी तो यहाँ कोई है नहीं टोकने के लिए कि भाई उठो जाओ निकलो यहाँ से, आगे नेक्स्ट एरिया में चलते हैं। बस अब दूसरे अट्रैक्शन पे जा रहे हैं, एक तो देख लिया हमने। राइट जाना वगैरह, ये जूते जीन्स ऊपर कर लो, पानी आने वाला। चलो ओके, चलो भाई पानी आ गया। वाह गुनगुना पानी है। जींस और ऊपर करनी पड़ेगी। ओ मेरे भाई साहब जबरदस्त। मछलियां तैर रही हैं, नीचे कारपेट बिछा हुआ, ये हूं मैं। वाह जबरदस्त, नीचे मछलियां हैं देखो।
ये कैसे प्रोजेक्शन किया होगा इन्होंने स्वाद वाला, और शीशे भी लगाए हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब लोग तो हैं लेकिन शीशे से थोड़ा और लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग हैं। पानी गुनगुना है, ये लोग हैं, नीचे मछलियां हैं। अच्छा वो काफी बड़ा है यार, काफी बड़ा हॉल है ये। तो दीदी से टॉवल ले लेंगे फिर क्या आएगा तेरे समय से। चलो दीदी ने टॉवल दे दी, टॉवल से जरा पाँव पोंछ ले। चलो अब आगे जगह है जहाँ पे टॉवल गिराना है, ये यूज टॉवल गिराना है यहाँ पे। फिर एक ये अट्रैक्शन है, अच्छा यहाँ बॉल्स वगैरह लटकाई हुई है। यहाँ इन्होंने बॉल्स टांगी हुई है, बॉल्स के कलर चेंज हो रहे हैं। कह तो रहे बॉल को छूने से रंग चेंज होगा, मुझे लगता नहीं है, रंग ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। नहीं सारी बॉलें नहीं चिपकी हैं यार, ये तो एक बंदे ने पूरी घसीट दी बॉल दूर तक। ये नहीं चिपकी है, कुछ बॉलें नहीं चिपकी, वो देखो बच्चे घसीटते हुए ला रहे हैं। और ये ऊपर का है, मतलब बॉलें सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं लेकिन सही है। ये गुलगुली गुलगुली सा मटीरियल है, गुलगुला गुलगुला सा। फोटो खिंचा रहे हैं कि हमने बॉल उठाई हुई है, जबरदस्त भाई, बहुत मेहनत का काम किया आपने, आपको तो प्रथम पुरस्कार मिलना चाहिए। जो लॉबी है, लॉबी में सिर्फ ऐसी लाइटें लगी हुई हैं। जो प्रोजेक्शन है ना यार वो बहुत खूबसूरत है। मैं तो जमीन पे लेटा हुआ हूँ इस वक्त कांच के ऊपर, और ये मेरे छत पे हो रहा है, इसीलिए मैं लेट के वीडियो बना रहा आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन देख लिया भाई, मैं तो वहाँ लेट गया था, बहुत लोग लेट गए थे तो मैं भी वहाँ लेटा था और मज़ा आ गया, मतलब चक्कर आ रहा था बैठे बैठे। यार इसमें लाइटें तो है ही नहीं गार्डन एरिया में, बस गार्डन एरिया बोला है इन्होंने। इसमें भी शायद लाइटें जलती हैं लेकिन इस वक्त क्या है कि इस वक्त रोशनी है और ऊपर बारिश हो रही है तो इन्होंने कांच लगाए हुए हैं। ये मैं हूँ, तो इतना तो कुछ स्पेशल है नहीं गार्डन एरिया में। यार वो तारे तो गई है, लाइटें तो जलनी चाहिए पर लाइटें जल नहीं रही हैं, बस ये इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। तो लग रहा है गार्डन एरिया का नुकसान हो गया क्योंकि गार्डन एरिया वाली जगह कोई लाइट नहीं है। वैसे यहाँ लाइट होनी चाहिए, लाइट्स वगैरह ऑन होती है पर बारिश की वजह से शायद अब नहीं हो रही, मतलब बारिश भी एक कारण है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अभी दिन है तो शायद लाइटों की ज़रूरत ना पड़े उतनी। इमर्स योरसेल्फ इन फ्लावर्स एंड बिकम वन विद द गार्डन। चलो भाई चलो भाई, मौका दे दिया है लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जब फूल ऊपर हो जाए तभी जाना, तो अभी क्या है ना डिस्टेंस ऐसी है, ये फूल है और ये नीचे है, तो कुछ बच्चे तो सब झुक झुक के चले गए।
ये है यार, अच्छा है। मैं तो अभी ज़मीन पे बैठा हुआ, अब फूल ऊपर जाएंगे तब जाऊंगा मैं। वाह यार अच्छा लग रहा है। ये नीचे का है, चलो भाई जा सकते हैं अब। और अब यहाँ से लेटते हैं, ये ऊपर का सीन। खुशबू अच्छी आ रही है, सारे फूल ऊपर लाइट लगी हुई है और कांच है। अच्छा इसीलिए बारिश का पानी नहीं आ रहा यहाँ पे। क्या म्यूज़िक अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो कुछ फूलों की जो लटें हैं वो नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है। 10 मिनट का टाइम हमें मिला, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये जगह यार बहुत सॉलिड जगह यार, सॉलिड जगह, बहुत अच्छी जगह है। मतलब जो क्रिएटिविटी दिखाई है ना उसको देख के स्वाद आ रहा है। यहाँ से बाहर का रास्ता है, बाहर जाने का। वो है कि भाई निकलो निकलो। ये देखो ये आर्टवर्क है, ये मोबाइल से कनेक्ट किया है लेकिन ये मोबाइल वाला आ ही नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा अलग आ रहा है। फ्लेम नीचे है ही नहीं, अगर मैं देखूं तो ये ऊपर से फ्लेम गिर रही है लेकिन मेरे में नीचे से फ्लेम ऊपर जा रही है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ देखो मेरे में कुछ और आ रहा है, मेरे में कुछ और आ रहा है और इधर कुछ और आ रहा है स्क्रीन पे। तो ये मैं टेस्टिंग कर रहा था, इनका ऐप है, ऐप डाउनलोड किया मैंने, तो मुझे ये था कि जैसी फ्लेम आप बनाओगे वैसी आएगी, लेकिन वो आई नहीं रही, इसकी फ्लेम अलग आ रही है। नहीं कहीं से मैचिंग दिख रही है फ्लेम, मुझे तो कहीं से भी मैचिंग नहीं दिख रही है। मैं ट्राई किया लेकिन नहीं, अगर इस तरफ से देखूं मैं, इधर से भी नहीं है। थोड़ा सा इधर आके देखता हूँ यार, बारिश में भी भीग रहे हैं और वो मज़ा नहीं आ रहा। मैं तो चारों तरफ आ गया लेकिन मुझे वो फ्लेम नहीं दिखी जो मैंने बनाई है, ये वाली फ्लेम तो है ही नहीं, क्या करें। ये ऊपर भी अलग अलग फ्लेम है लेकिन वो वाली नहीं है जो मैंने बनाई है। चलो ठीक है, वो सामने है टीम लैब्स की जगह जहाँ भी मैं गया था। तो बस अब घर जाने का टाइम हो गया है और मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।